नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है न्यूज़ जेड पे। आज हम है पादी युबे आउटडोर स्टेडियम पे, जहां तारू चातुंग मेमोरियल स्टूडेंट मीट को जो इनॉग्रेशन कर दिया गया है, जहां चीफ गेस्ट हमारे यहां के जो इंजीनियर तगी तकी जी, हमारे मिनिस्टर जी आज यहां पे आए हुए थे। और साथ ही साथ यहां पे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए हमारे यहां के जो डीसी है श्री बामिन निमे जी, वो भी यहां पे आज आमंत्रित थे। साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट जो है वो यहां के बेंगिया अजुम, जो हमारे एपीसी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको भी आमंत्रित किया गया था और आज यहाँ पर वो भी शामिल है। तो आज का जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम कर दिया गया है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारे लेट तारू चातुंग जी को यहाँ याद करके ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि यहाँ के आपातानी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे जो लेट तारू चातुंग जी हैं उनके बारे में तो सब जानते ही हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यहाँ पर जो बढ़ावा दिया, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो लोगों तक पहुँचाए, वो हमारे यहाँ के लेट तारू चातुंग जी ही है। उनके द्वारा ही लोग आज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ अब बहुत नए नए जर्नलिस्ट आ चुके हैं और वो हमारे लेट तारू चातुंग जी से इंस्पायर है। इवन हम एज ए रिपोर्टर, हम भी लेट तारू चातुंग जी से इंस्पायर होकर यहाँ पे सच को दिखाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। उसी तरह जो हमारे यहाँ के आपातानी स्टूडेंट यूनियन है, वो यहाँ पे जो लेट तारू चातुंग जी को याद करते हुए, उनको सम्मानित करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से रहेगा, आज यहाँ पर फुटबॉल को किक ऑफ कर दिया गया, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो ये प्रोग्राम है आज 20 से लेकर 30 तक चलेगा, जहाँ आपको कल्चरल प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा, स्पोर्ट भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ में लिटरेसी भी जो प्रोग्राम है, इवेंट है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कोई यहाँ पे बहुत सारे स्कूल, हमारे एंटायर लोअर सुबनसिरी के जितने भी स्कूल है, प्राइवेट गवर्नमेंट, सब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं जनता से भी यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप भी ये प्रोग्राम को यहाँ विटनेस करें, आप भी आए और हमारे जो लेट तारू चातुंग जी हैं उनको याद करें, श्रद्धांजलि दीजिए। और साथ ही साथ हम आपको हर एक प्रोग्राम को यहाँ खबर देते रहेंगे, तो जुड़े रहें न्यूज़ जेड के साथ। Consolation
Junior Talim Mudotamo Memorial College. So, Women African Student Union. सर आज यहाँ पे हमारे लेट तारो चतुन जी को याद करते हुए यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो आपकी तरफ से उनको क्या दोस्त रहेगा उनके लिए? मैं तो चातुंग से भी ज़्यादा मैं ये स्टूडेंट लोग को इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये जो गेस्चर उन लोग ने डेवलप किया है कि किसी ने कहा नहीं है कि चातुंग के लिए वो करना है, बट दे डेवलप बाय देमसेल्फ कि हमारा भी एक बड़ा भाई था जो इस क्षेत्र में ऐसा ऐसा काम करके गया है, उन्हें साइलेंसली ना रखते हुए उनका इंकरेजमेंट के लिए हम लोग कुछ करना चाहिए। ये रह के इन्होंने लिटरेरी स्पोर्ट्स और बाग कल्चर का सारा ऑर्गेनाइज किया है सिर्फ चातुंग का यादगार के लिए, ये बहुत ही अच्छा काम है। तो सर ये जो प्रोग्राम को जो अपतनी स्टूडेंट यूनियन जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो उन लोग के लिए आपके लिए क्या मैसेज रहेगा जो इतना अच्छा से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? मैं इसीलिए शुरुआत से इन लोग को इनकरेज कर रहा है, द योर गेस्चर इज मार्वलस, गो अहेड, और इससे आंखें खुलेंगे सारा अरुणाचल वासियों, नॉट ओनली अरुणाचल वासियों रादर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको यादें करेंगे कि एक समुदाय के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपना समुदाय के बराबरी का जो कार्य करके गया है उसको याद कर रहे हैं। सर इसमें 26 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर, उन बच्चों को सर क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ से कि जो आप खेल रहे हैं आज जो आपने किक ऑफ किया सर, कि आप लोग जो भी खेले सर डिसिप्लिन से खेले? सबसे बड़ा मैसेज इनको होगा कि जितना 26 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है दे आर ए वेरी लक्की चिल्ड्रेन जो ऐसा शुभ काम में चातुन जैसा आदमी का मेमोरी का नाम से वो आज फुटबॉल पार्टिसिपेट करने आ रहा है, तो पार्टिसिपेट इट्सेल्फ इज ए सच ए बिग थिंग्स, द विनिंग इज वेरी सेकेंडरी, तो उनको याद करना है और उसी को तो अगर वो याद करके खेलेंगे तो इसमें इनडिसिप्लिन होने का कोई सवाल ही नहीं है। सर सचिन सर जो आप से आते हैं इतना नाम कमाया है अरुणाचल के लिए पूरा काम करके गया है, सर आप गोमेन का तो एक अभी मिनिस्टर है, गोमेन को कुछ ऐसे प्रपोजल दिया है कि अभी तक कि उसका नाम से कुछ किया जाए जो हम लोग अरुणाचल को याद रह जाए? ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज लकीली अरुणाचल प्रेस का वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद है, अगर उन लोग बड़ा भाई को यादें करना चाहता है गवर्नमेंट के तरफ कुछ प्रस्ताव रखे ताकि मैं भी फॉलो अप कर पाऊँ।